आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला आपके भी फ़ोन में जो वॉल्यूम बटन है, जो कि आपका जैसे आप इस तरीके से आवाज़ कम करते तो ऑटोमेटिकली सारा बहुत ज़्यादा आवाज़ कम हो जाता है, ये वर्क नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आपका ये सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल तो नहीं है, अगर आपका अवेलेबल है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और आपका जो कि जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, साउंड से रिलेटेड एनीवेज आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उससे भी फिक्स हो जाएगा। और बैटरी परसेंटेज आपका 50 से ऊपर हो तभी अपडेट करें, क्योंकि अपडेट करते टाइम आपका स्विच मतलब बैटरी बैकअप होना चाहिए, ठीक है। तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, और अपडेट करने के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो वो देखना ना भूलें। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे ऐप लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, तो इनमें से कुछ ऐप्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लियर कैच कर देना है और जो आपका प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा तरीका, अगर इसमें और भी यूआई एप्स वगैरह होता है तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें और कौन सा है। सिस्टम को तो आपने कर ही दिया है, तो फ्रेंड्स बाकी इसमें कोई सा भी एंड्रॉयड ऑडियो दिखेगा, सिस्टम वेब दिखेगा, तो इन सब को आपको छेड़खानी नहीं करना है। बस इसी प्रकार से आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू होगा तो आपका फिक्स हो जाएगा, अगर कोई बटन में कोई प्रॉब्लम होगा और यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप सिर्फ सर्विस सेंटर या फिर किसी शॉप पे दिखा सकते हैं। मिलते हैं, शुक्रिया, बाय।